और लवली से यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल शीश वाला पे मोस्ट वेलकम है, जहाँ पे आप और हम दोनों साथ में मिलकर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। आज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में है भाई, इसका करना। देखो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/2 है, लॉग वाला समथिंग होता है, लेकिन भाई ये हम लोग को बता दिया जाता है, लेकिन आज हम लोग इसका प्रूफ करेंगे ये मतलब आ कैसे जाता है। तो अगर बेसिक हम लोग लगाएं, जैसे हम लोग को मान कुछ नहीं पता, तो ये भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगे तो हम लोग बता सकते हैं इसको एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, मतलब इतना कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग सोचेंगे कि भैया हम लोग क्या करें, ये इनको सेपरेट कर लेते हैं एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए के लिए। तो पहले हम लोग इतना करते हैं, जितना हम लोग को कुछ समझ में आया ना उतना ट्राई करते हैं भाई, ठीक है। तो ये देखो 1/2 इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाई, इतना लिख दिया इंटीग्रेशन, इतना हमें समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा एक वो लगेगा, ट्रिक तो नहीं कह सकते हो लेकिन बेसिक लगा सकते हो। बेसिक क्या है, यहाँ पे ए टू ए से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, टू ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, बस इतना करना पड़ेगा। उसके बाद में दिमाग लगाओ आप, उसके बाद में ये दो ए हो गए ऊपर टू ए हो गए, इनको क्या करोगे सेपरेट कर दोगे, यानी कि एक बार ए इधर लिख दो प्लस में, एक बार ए इधर लिख दो और अपॉन में एक्स प्लस। भाई देखो जो कुछ लिखा है मैं वो भी लिख रहा हूँ, बस एक्स प्लस और एक्स माइनस। अब देखो यहाँ x के साथ में प्लस a है तो प्लस a प्लस कर दो, x प्लस a हो गया एक बार x हमने प्लस कर दिया, ठीक। उसके बाद में एक प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने x को क्या किया माइनस x कर दिया, ठीक कर दिया। अब ये देखो यहाँ देखो ये x प्लस है x प्लस a है, यहाँ क्या x माइनस a, क्या ऊपर x माइनस a है ना, नहीं है ना, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस हम लोग जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये एक्स माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स माइनस ए में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर दैट क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाले जो टर्म्स आए हैं ना इनको क्या करेंगे स्पेस सेपरेट कर देंगे और स्पेस सेपरेट कर देंगे, ठीक है। जब स्पेस सेपरेट करेंगे तो ये एक्स प्लस ए वाला टर्म जो है ये जो उससे है ना ये क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, मतलब कट जाएगा और बचेगा क्या सिर्फ x माइनस ए बचेगा। और जब इसी टर्म को इस पर स्प्रेड करेंगे, अब करते हो यार करना बोलेंगे हम करते हैं, तो इस पर क्या होगा तो मेरा बचेगा 1/x माइनस ए बचा, उसके बाद में माइनस लगा है तो 1/, अब यहाँ जब स्प्रेड करेंगे तो x माइनस वाला चला जाएगा अपने घर, तो बचेगा क्या x प्लस ए, तो सिर्फ और सिर्फ x प्लस ए बचा, इज इट ओके। और अब 1/2a लिखा था इस साइड में तो 1/2a भी लिखा है, इसका इंटीग्रेशन इज इट ओके, इतना समझ में आया बोलो, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम लोग इरेज करेंगे, अब देखो क्या करेंगे 1/2a, अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, यानी कि 1/x माइनस ए हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए हो जाएगा, देखते रहना अभी जादू हो जाएगा बस। अब हो गया dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है तो dx हो गया, ठीक। उसके बाद में देखो ये 1/ समथिंग वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग में कन्वर्ट हो जाता है ना, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x हो जाता है ना, इज इट ओके, इसमें तो कोई दिक्कत है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा 1/2a लॉग में आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा लॉग x माइनस ए आ जाएगा, तो ये लॉग x माइनस ए आ गया माइनस लॉग x प्लस ए हो गया, ठीक है इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग a माइनस लॉग b, यानी लॉग a अपॉन b होता है, लॉग पता है ना यार, ये पता होगा ना आपको, लॉग a माइनस लॉग b क्या हो जाता है लॉग होल अपॉन a अपॉन b हो जाता है, तो वही लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरा ये 1/2a लॉग a क्या है मेरा x माइनस a अपॉन x प्लस a, प्लस सी आ इंटीग्रेशन, ठीक इज इट ओके। तो क्या आ जाएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी इंटीग्रेशन मेरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल इज वेल एंड शेयर, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट है ना क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन अगला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में करेंगे और फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अगली वीडियो आएगी कल आएगी, लेकिन ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।